आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन। दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं? पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आईसीआईसीआई बैंक से आपको कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है और लोन के पैसों को वापस करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है? इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है कि लोन पर आपको कितने परसेंट का इंटरेस्ट देना पड़ता है और लोन पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक से आप किस किस पर्पस के लिए लोन ले सकते हैं। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक से जो पर्सनल लोन मिलता है वह आपके सिबिल स्कोर और इनकम के आधार पर तय किया जाता है। पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पर्सनल लोन के पैसों को आप शादी खर्च में यूज कर सकते हैं, पढ़ाई खर्च में यूज कर सकते हैं, कहीं घूमने जाते हैं उसमें खर्च कर सकते हैं, या पर्सनल लोन के पैसों को खरीदारी करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी आईसीआईसीआई बैंक से किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी जो एज है वो 23 वर्ष से ज्यादा की होनी चाहिए। सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों लोग आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसी के साथ आपका जो सिविल स्कोर है वह भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है या फिर आपका सिविल स्कोर कम है तो इस बैंक से आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आपकी मंथली इनकम है वो कम से कम 30,000 रुपए से अधिक की होनी चाहिए। आगे आपके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। तो पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आईडी प्रूफ के तौर पर पर्सनल लोन लेने के लिए दे सकते हैं। दूसरा, एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट या फिर किसी तरीके का यूटिलिटी बिल, जैसे वाटर बिल, फोन बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये जो बिल है वे 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल एड्रेस प्रूफ के तौर पर पर्सनल लोन लेने के लिए दे सकते हैं। तीसरा, पर्सनल लोन लेने के लिए आपको इनकम प्रूफ देना होगा। तो अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ आप 3 महीने की सैलरी स्लिप दे सकते हैं या फिर पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या आपका कोई बिजनेस है तो आप पिछले 3 साल की ITR की कॉपी यानी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दे सकते हैं। चौथा, आपको 3 से 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप आईसीआईसीआई बैंक से कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है ये आपके इनकम के आधार पर तय किया जाता है। तो आपकी जितनी भी इनकम होगी उससे आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है तो इसे हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल होता है 4,50,000। तो आप आईसीआईसीआई बैंक से 4,50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब बात आती है कि पर्सनल लोन के पैसों को कितने दिन में चुका सकते हैं या फिर रीपेमेंट कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको 12 से 72 महीनों का समय मिलता है। इसके बीच में आप पर्सनल लोन के पैसों को रीपेमेंट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि आप आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। वहां पर मांगे गए सारे डिटेल्स को फिल करेंगे। डिटेल्स को भरने के बाद आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नियरेस्ट आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच में जाना होगा। वहां आपको बैंक एम्प्लॉय को बताना होगा कि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। इसके बाद बैंक एम्प्लॉय आपके डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। इसके बाद आपको लोन के बारे में सारी जानकारी देंगे कि आपको कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, इंटरेस्ट क्या होगा, प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा, लेट पेमेंट कितना होगा, आपको कितने दिनों के लिए लोन मिल सकता है, ये सारी जानकारी आपको बैंक एम्प्लॉय देंगे। इसके बाद अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। इसी के साथ आपकी सिविल स्कोर की भी जांच की जाएगी। सब कुछ ठीक होने पर 7 से 15 दिन के अंदर लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से जमा कर दिया जाएगा। अब आके जानते हैं कि लोन लेते समय या फिर लोन लेने के बाद कौन कौन से चार्जेज आपको देने होंगे। तो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट। तो आईसीआईसीआई बैंक से आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट जो शुरू होता है वो होता है
10.25% से। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये हर एक महीना बदलता रहता है, तो रिसेंट इंटरेस्ट रेट पता करने के लिए आपको एक बार बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब आगे चार्जेस की बात करें तो लोन अप्लाई करते समय आपको प्रोसेसिंग फीस देना होता है जो लगभग लोन अमाउंट का 1%, और इसके साथ GST भी लगता है। इसके अलावा और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, लोन फोरक्लोजर चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस। तो लोन अप्लाई करते समय इन चार्जेस के लिस्ट आपको बैंक के तरफ से मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा कि आप ICICI बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं और किन किन लोगों को यहाँ से पर्सनल लोन मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।